गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे आप डिलीट कर सकते हो या हाइड कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोनों चीज के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। फर्स्ट मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप कैसे यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, सेकेंड बताऊंगा कैसे आप इसको हाइड भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और गाइज यहाँ पे फोन पे अकाउंट क्रिएट करते ही होगे और आपका कर लिए होगे। अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि फोन पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो वीडियोस प्रॉपर बना दिया हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस जैसे ही आप अपने फोन पे को ओपन करते हो तो गाइस यहां पे हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है और गाइस यहां पे आप देख सकते हो आपका फोन पे का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिखा रहा होगा, किसके पास कितने पैसे ट्रांसफर किए होगा, किसके पास से आपके पास पैसे आएंगे, कौन से वाले बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हो या आप कौन से मोबाइल रिचार्ज कितना का किए हो और किनके किनके पास प्रोडक्ट आपको मतलब कौन से शॉपिंग से आप बाय किए हो, तो ये सारा कुछ आपके हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको चाहते हो कि कैसे मैं इसको रिमूव करूं यानी डिलीट करूं या कैसे हाइड करूं, आपके पास कोई भी रीजन हो सकता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद गाइज अब आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन, तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है और गाइज जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो गाइज आपको नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है अदर टॉपिक पे, यहां पे देख सकते हो प्रोफाइल का ऑप्शन, तो गाइस आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो प्रोफाइल आपका ओपन हो जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे बट हम लोग को यहां पे देख सकते हो माई फोन पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप माई फोन पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो गाइस अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा माई फोन पे अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आपको नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है और गाइज जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो गाइज अब आपको देखने के लिए मिल जाता है टॉप में ही आपका चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल इन माय फोन पे अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो कुछ चीज या डिलीट करना चाहते हो आप अपने फोन पे अकाउंट में तो गाइज ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इस पर भी आपको क्लिक करना है और गाइज जैसे ही आप क्लिक करते हो इस पर भी तो आप देख सकते हो नीचे में आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लेकिन यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल रहा है कैन आई डिलीट माई पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही। तो गाइज आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप फोन पे से आप कोई भी चीज को डिलीट नहीं कर सकते हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो होता है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, उसको आप हाइड कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के बारे में समझा दूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है और गाइज जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो गाइज देख सकते हो एज पर RBI गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, ये RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ है, यानी कि RBI का गाइडलाइंस है कि आपके पेमेंट को आप क्या कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, ना ही आप किसी में जो आपका एप्लीकेशन इसमें कुछ भी डिटेल्स को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। नोट अगर मैं बताऊं तो ये आपका डिटेल जो है वो आपका सिक्योर रहता है और थर्ड पार्टी को कभी शेयर नहीं करता है, तो ये आपका सेफ एंड सिक्योर है और आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये कभी भी आप RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जा सकते हो और आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। बट अब मैं आपको बताऊंगा, बैक आ जाना है और अब मैं बता सकता हूं कि आप इसको हाइड तो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको आप सही सुने। तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे फिल्टर पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही फिल्टर पर आप क्लिक करते हो तो गाइस यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बट हम लोग को क्या करना है, कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप इसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। लाइक अगर आप हाइड करना चाहते हो, अगर आप चाहो तो खाली मनी रिसीप्ट जो हुआ है वही आप शो करा सकते हो। लाइक यहां पे आप देख सकते हो मनी रिसीप्ट पर आपको क्लिक करके अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस जितने भी आपके पास पैसे आए रहेंगे दूसरे के यहाँ पे कोई भी फोन पे के थ्रू आपको भेजा होगा तो वही आपको शो होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगेन से कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है, अगर आप चाहते हो कि केवल मेरा रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स दिखाए तो आपका केवल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स ही दिखाएगा। और गाइस अगेन से कैटेगरी पर सिलेक्ट करना है और गाइस यहाँ पे आपको अगर आप किसी के पास पैसे केवल भेजे हो तो वो आपको शो कराए, तो गाइस यहाँ पे मनी सेंड पर आपको क्लिक करना है और इसको टिक में हटा देना है, तो टिक कर देना है और अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, तो आप जिसके पास केवल पैसे भेजे रहोगे तो वही शो होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप इस तरीके से हाइड कर सकते हो और आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप ना खाली रिचार्ज का दिखा सकते हो या किसी के पास मनी भेजे होगे उसका दिखा सकते हो या किसी से पैसे रिसीव किए होगे तो उसका दिखा सकते हो, तो इस तरीके से हाइड कर सकते हो लेकिन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होगे और स्टेप बाई स्टेप देखे होगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कॉमेंट
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।